दोस्तों अभी मैं एक और बीच पे आया हूँ, इसका नाम है बैगेटर बीच। यह बीच बड़ा साफ सुथरा बीच है दोस्तों, और बहुत बड़ा बीच है और क्राउड ही बिल्कुल नहीं है। दोस्तों अभी हम बीच पे बैठे हैं, और जैसा कि ये इस तरफ जो नॉर्थ गोवा के बीच है, यहाँ पे क्राउड जो इसलिए कम होती है कि यहाँ पे मोस्टली फॉरनर आते हैं, क्योंकि जैसे आपने बागा बीच देखा, बाकी बीच पे काफ़ी क्राउड रहती है, तो ये जो फॉरनर होते हैं उनको इतनी क्राउड पसंद नहीं होती है, उनको तो छुट्टी अपना जो एंजॉय करना था ये बिल्कुल अलग रहती है। दोस्तों अभी हम एक फोर्ट देखने जा रहे हैं जो हमारी लास्ट डेस्टिनेशन से 35 किलोमीटर दूर है। सिर्फ आप लोगों के लिए हम इतनी दूर जा रहे हैं, और आपको रास्ते में जंगल में खड़े हैं, ये देखिए सामने, ये देख पा रहे होगे तो ये काजू का ट्री है, ये काजू का पेड़ है, ऊपर देखो काजू लगे हुए हैं, ये देखो ये काजू है, ये ट्री काजू का है, और ये देखिए ये काजू लगा हुआ है, ये काजू का फ्रूट है और नीचे भी गिरा हुआ है। तो इसी फ्रूट की जो यहाँ पे फैनी वगैरह बनती है, जो इसका फल होता है उससे फैनी बनती है, और बाकी काजू भी इसी से बनता है। तो ये दिखाने के लिए हम जंगल में आपको लिए रुके थे, तो ये देख एक अगर आप अगर नीचे गिरा होगा देखते हैं, तो मैं दिखाता हूँ, ये देखिए नीचे गिरा हुआ है, ये काजू का अगर आप देख पा रहे होगे, ये ऊपर है, इसमें काजू होता है, इसको गर्म करके काजू निकलता है, और नीचे फल है, इससे फैनी वगैरह बनती है, इसको वेस्ट नहीं करते, इससे ये फैनी बनाते हैं, और ऊपर ये जो है इससे काजू बनता है। तो ये आपको दिखाने के लिए रुके थे, ये होता है काजू का ट्री। दोस्तों ये है वो किला जिसे देखने के लिए हम 35 किलोमीटर दूर आए हैं, बड़ा पुराना किला है कोई ये, और ये एक प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है, हेरिटेज प्रॉपर्टी है, देख लीजिए ये बोर्ड लगा हुआ है, और ये किला है। चलते हैं अंदर देखते हैं क्या क्या है किले में। दोस्तों अभी हम किले के अंदर जा रहे हैं, यह किला ये शिवाजी महाराज के टाइम पे बनाया गया था, क्योंकि शिवाजी महाराज ने काफी किले बनाए थे, तो ये किला है। ये किले का मेन दरवाजा, इसे बंद कर दिया था जब कोई आक्रमण करता था। और ये किले के बीच का नजारा है, ये किले की चार द्वारी जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी, ये देखिए ये पुराने टाइम की क्या है मशीन, ये कोई पुराने टाइम की बिल्डिंग थी जो अभी शायद खंडहर बन चुकी है। खंडर पहले यहाँ पे कोई महल मूल होता हुआ, जो भी फिलहाल समय के साथ खत्म हो गया है, बस ये चार दीवारी बची है जो पुराने समय की याद लाती है। ये देखिए ये बीच में छोटा सा घर सा है, ये भी पुराने समय का कुछ है। तो यहां से निगरानी की जाती है किले की, इसके बाद देखो चार दीवारी सी बना रखी है, पर ये किला उतना बड़ा किला नहीं है, छोटा किला है ये।
तो ये था किला, इसको दिखाने के लिए दोस्तों हम लगभग 35-40 किलोमीटर आए हैं। और ये गोवा का एक बिल्कुल अलग पार्ट है, जैसे नॉर्थ गोवा में हम थे तो वहाँ हर जगह ही शॉप्स वगैरह थी, ठीक है, बड़े बड़े घर थे, वाइन जब हर कुछ था। जैसे हम इस तरफ आए, ये सिर्फ एक रूरल एरिया है, बड़ी कम शॉप्स हैं, घर भी छोटे छोटे हैं, और यहाँ पे फार्मिंग वगैरह होती है, काजू की फार्मिंग, फैनी बन रही थी, तो ये एक अलग एरिया है। और ये देखिए, ये जगह जहाँ पे सिपाही खड़े थे, हमारे हितेश भाई वहीं खड़े हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से बंदूक से वो हमला करते थे सिपाही, उनका बचाव होता है और दुश्मनों को गोली लगती थी। ये देखिए साथ में ये कोई नदी है, तो ये है किला जो हम आपको दिखाने के लिए बड़ी दूर आए हैं। दोस्तों अभी हमें भैया जो लोकल है उन्होंने बताया कि ये शिवाजी महाराज ने किला बनाया था अंग्रेजों से लड़ने के लिए। और जो पुर्तगाली यहाँ पे आते थे उस समय क्या था कि वो काफ़ी आपस में फाइट होती थी, तो उस समय शिवाजी महाराज ने लगभग 5-6 किले बनाए हैं पूरे यहाँ गोवा में। तो वो अपना ठिकाना बदलते रहते थे टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे ये किला शिवाजी महाराज ने बनाया है, और ये सामने रिवर है, जितने किले यहाँ पे होते हैं वो रिवर या समुंदर किनारे इसलिए हैं क्योंकि उस समय ट्रांसपोर्टेशन का मेन जो साधन था वो पानी था। तो इधर से ही हमलावर आते थे, इधर से किसी का अपनी सेना नहीं जो इधर से आती थी, और यहाँ से अगर कोई हमलावर आता है तो ऊपर जो जगह बनी है देखो वो बने हैं सफेद, यहाँ से फायरिंग करते थे तो वो लड़ाई होती थी। और अभी फिलहाल क्योंकि किला काफ़ी पुराना हो चुका है, बट अब गवर्नमेंट ने इसको अपने अंडर लिया है, अब इसको दोबारा रिस्टोर किया जा रहा है, और जैसा पहले पुराना था वैसा इसको बनाया जाएगा, और जो यहाँ से सामान पंजी में पड़ा है इसका वो यहाँ फिर लेके आएंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले एक साल में ये बहुत बढ़िया बन जाएगा। तो आप भी गोवा आओ तो एक बार देखने ज़रूर आना, थोड़ा दूर है बट यहाँ भी आओ। और एक तो आप लोग घूमने आए, आपका इस तरफ आओ, इस तरफ काजू के पेड़ हैं, जंगल है, उधर उधर गोवा है वो शहर है, ये गांव है, इधर की इधर का जो इलाका है अलग है बट बढ़िया है, ठीक है ना। आप इधर आओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, और यहाँ के लोग जो हैं उनको भी थोड़ा रोजगार मिलेगा, उनका भी धंधा पानी चलेगा। दोस्तों अभी हम पोर्ट से निकल चुके हैं, दोबारा आपको होटल जा रहे हैं, लगभग 28 किलोमीटर हमारा होटल दूर है। ये देखो ये गोवा के गांव है, ये गोवा देख के आते हैं, वो गोवा नहीं है, ये गांव है, छोटे छोटे घर है और जंगल है बिल्कुल, और साथ में काजू के पेड़ लग रखे हैं। तो काजू की जो मेन फसल होती है तो गोवा के इसी पास में होती है, मोस्टली टूरिस्ट क्या है बीच देख के चले जाते हैं, पर यहाँ भी आना वर्थ है। यहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ का देखिए एनवायरमेंट अलग है, हवा अलग है, लोगों के छोटे छोटे घर है, खेत बना रखे हैं, और जंगल के बीच से रास्ते निकलते हैं, बहुत मजा आता है। छोटी छोटी शॉप्स हैं, लोगों की छोटे घर है, और रोड बिल्कुल बढ़िया है, खड्डे वगैरह उतने नहीं है, थोड़े बहुत है, बढ़िया रोड्स है, पर जंगल है। देखिए कटहल का पेड़ लगा हुआ है, कहीं आम लगे हुए हैं, कहीं काजू लगे हुए हैं, और कोई इनका तोड़ता नहीं है, बिल्कुल सेफ है ये। अगर आप खाना भी चाहते हैं तो आप खा भी सकते हैं। हाँ। यहाँ पे हमने पूछा लोकल लोगों से तो वो कहते हैं जितना मर्जी खाओ यहाँ आपको कोई भी नहीं रोकेगा। और काजू का हमें एक मिथ है कि काजू में जहर होता है, काजू खाने में मर जाते हैं, ऐसा नहीं है। हमें एक लोकल ने बताया है कि काजू का जो फल है इससे फैनी बनती है, जब वो लाल हो जाता है उसको खा सकते हैं, वो पेट के लिए अच्छा रहता है, उसमें कोई जहर वगैरह कुछ नहीं होता है, तो खा सकते हैं। और जंगल में यहाँ लगे पड़े हैं तो ऐसा नहीं है आपको बताए, जंगल में फल तोड़ के खा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वो देखिए कि चर्च आ रही है, तो यहाँ चर्च मंदिर मस्जिदें सब हैं, सारे धर्मों के लोग रहते हैं यहाँ पे। तो ये नदी आ रही है आगे, नदी से शिवाजी महाराज आया करते थे, और अभी
हम अभी हम जिसके लिए आए हैं, हम बाय बाइक आए हैं, और काफी टूरिस्ट बाय बोट आते हैं। तो ये इस नदी में नदी दिख रही है, इसी नदी में बोट चलती है। चार्जेस तो मुझे पता नहीं, बट अगर आप बोट के थ्रू आए हो तो बोट के थ्रू भी आ सकते हो, वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ गोवा मॉल है, यहाँ पे हमारे उसके बाहर मॉल में है, आज कुछ शॉपिंग करेंगे। गोवा में ज्यादा मॉल तो नहीं है, हमें ये एक ही मॉल देता है, छोटे मोटे मॉल है। वही मॉल में जाएंगे, कुछ जो चीजें हैं देखते क्या क्या खरीदने के लिए, तो वो खरीदेंगे। जय भाई आज शॉपिंग करेंगे, क्या ले रहे भाई देखते हैं, वो तो अंदर जाके ही पता चलेगा ना। तो ये देखिए ये मॉल है, इतना इतना बड़ा मॉल नहीं है, इतना हमारे होते हैं वो ठीक है, छोटा मॉल है, काम चल जाएगा। एक मॉल है, ये पूरे गोवा में एक ही लगता है ना मॉल है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, चल चुका है नया दिन और अभी हम अपने होटल में खड़े हैं और कर रहे हैं चेकआउट। अभी हम जा रहे हैं दोबारा पंजी में अपने नए होटल में, और आज हम आपको साउथ गोवा घुमाएंगे और साथ के साथ आपको शाम को कसिनो लेके जाएंगे, क्योंकि जो गोवा की कसिनो नाइट लाइफ है वो बड़ी फेमस है। तो हम आपके लिए सिर्फ वहाँ जा रहे हैं, हमें कसिनो खेलने का शौक नहीं है, ठीक है। वहाँ जो कसिनो का पैकेज है उसमें फूड अनलिमिटेड होता है, ड्रिंक्स अनलिमिटेड होती है, ड्रिंक्स हम करते नहीं हैं, फूड हम खाएंगे कसिनो, अब कुछ थोड़ा बहुत खेलेंगे, बट हमें ऐसा कोई शौक नहीं है। सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए क्रूज में कसिनो का क्या मजा है, उसके लिए आज हम पंजी होटल में चेक इन कर रहे हैं, अभी पंजी से पास है। तो अभी हम जा रहे हैं पंजी, वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों अभी हम अपने नए होटल पहुंच गए हैं, इसका नाम है होटल कार्मल वीजा रिजोर्ट, ये आप देख सकते हो। लोकेशन बड़ी अच्छी है, सामने
उस साइड बीच है, तो हम बीच पर भी जा सकते हैं। और अभी ये इशू है कि यहाँ पे चेक इन 10 बजे है और अभी 8 बजे हैं, तो अभी हमें ब्रेकफास्ट भी करना है। अभी रूम खाली नहीं था, हमने बोला कि हमारा सामान रख लो, हम ब्रेकफास्ट करके और डिनर वगैरह एक बार देख के आते हैं क्या रेट है, तो हम यहाँ चेक इन करके फिर बाकी बीच वगैरह देखने जाएंगे। दोस्तों अभी हम खड़े हैं एक मजेस्टिक है, इसमें हमने रेट पता किए हैं 1000 का बेसिक पैकेज है। इसमें आपको अभी एंट्री कर लोगे तो कल 6 बजे तक आप कोई भी मल्टीपल एंट्री ले सकते हो, तो 6 बजे तक। और इसमें आपका लंच और डिनर इंक्लूड रहेगा, और इस पर इसके आपको खेलने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, ना आपको ड्रिंक्स मिलेंगी। फिर पैकेज है 1500 वाला, इसमें आपको खेलने के लिए कुछ कूपन मिलेंगे, जब तक आप खेलोगे आपको ड्रिंक्स फ्री मिलेंगे और खाने का डिनर और लंच रहेगा। इसके अलावा 2000 पैकेज में आपको 5 कूपन मिलेंगे अल्कोहल के, जिसमें आपको 30 ml पर कूपन मिलेगा, मतलब 150 ml दारू मिलेगी पीने के लिए, प्लस आपको खेलने के लिए कूपन मिलेंगे और डिनर और लंच इसमें इंक्लूड रहेगा। और आप मल्टीपल टाइम आ सकते हो जा सकते हो, कल सुबह 6 बजे तक वो वैलिड रहेगा। तो आपने डिसाइड करना है कौन सा कूपन है, ये मजेस्टिक ब्राइट कैसीनो है और भी कैसीनो, हम वहाँ ही पता करेंगे क्या रेट है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों अभी हम ना ये कैसीनो है कैसीनो प्राइड के बाहर करे हैं, इनके रेट दूसरे कैसीनो अभी यहाँ गए थे उनसे अच्छे हैं। 1500 रुपये में आपको अनलिमिटेड ड्रिंक्स और फूड है, ड्रिंक्स वगैरह है, ठीक है। और अगर आप चाहो तो अलग से कूपन लेके अपना प्ले कर सकते हो, तो वो अंदर पैकेज है, वो आपको शूट करे वो ले सकते हो, और उसकी भी मल्टीपल एंट्री है कल सुबह 6 बजे तक। तो अभी हम एक अलग सीनो देखते हैं, जो अच्छा रहेगा वहाँ पे हम अपना कूपन लेंगे। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ बिग डैडी कैसीनो के बाहर, और मैंने अभी इनके रेट पता किए हैं बिग डैडी के, बहुत महंगा है, ना तो आपको लंच मिलेगा ना मल्टीपल एंट्री है, 25 रुपये लेंगे, लिक्वर मिलेगी और एक डिनर मिलेगा। तो मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप बिग डैडी में जाओ, यहाँ तो पैसे की बर्बादी है। वो पीछे वाले दो ऑप्शन थे, वो दोनों ही ठीक है, वहाँ पे जा सकते हो आप, जो आपकी प्रेफरेंस रहेगी उसके हिसाब से कर सकते हो। एक बार अभी हम इनके क्रूज वगैरह देखेंगे, इनकी शिप्स वगैरह कैसी हैं, वो भी हम यहाँ से दिख जाएंगी, फिर हम डिसाइड करेंगे हमें किस में जाना है। और आगे देखते हैं एक बड़ा कैसीनो और मिल जाए तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम कैसीनो में गए थे, तो वहां पे यार बहुत कॉम्प्लेक्स सी गेम है, हमने कोई गेम नहीं खेली है, हमने सिर्फ कुछ पैसे वहां पे भी एंजॉय किया है, क्योंकि अभी जहाँ पे जो लंच वगैरह वो 1:30 बजे स्टार्ट होगा, तो लंच करने हम आएंगे, फिर शाम को फिर आएंगे डिनर करने। और गेम वगैरह यार वहाँ पे बहुत ज्यादा लूट है, मतलब अगर आपको आती है, अगर आपके पास खुला पैसा है तो खेलो, अदरवाइज तो फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा वहाँ पे टफ है। ये अतीश भाई मेरे साथ है, इन्होंने भी वहाँ पे एंजॉय किया है, बट वो बड़ी दिक्कत है गेम की, वो आपको ध्यान से खेलना पड़ेगा। हमें कुछ लोग मिले थे, उन्होंने बताया कि हाँ हमने पैसे जीते हैं, बट दूसरा बंदा बोला मैंने हारे हैं, तो मतलब आप ही का पैसा आप में घूम रहा है, कोई कैसीनो अलग से नहीं है, तो बड़ी दिक्कत है।